सो फाइनली 2 साल के इंतजार के बाद कश्मीर हैज ड्रॉप्ड हिज मोस्ट अवेटेड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट DHH एल्बम एवर करम. दिस एल्बम इज एन एग्जाम्पल कि जब पूरा DHH एक एल्बम के लिए कोलैबोरेशन करेगा तो वो एल्बम कैसा साउंड करेगा. आर्टिस्ट जैसे कि रफ्तार, कृष्णा, इक्का, सीधे मौत, MC स्टैन, तल्हा अंजुम और ये लिस्ट बहुत लंबी है. इतने सारे आर्टिस्ट हमें इस एल्बम में देखने को मिले हैं. दिस इज 50 मिनट्स लॉन्ग एल्बम. टोटल 24 ट्रैक इस एल्बम में है इंक्लूडिंग इंटरलूड्स. और जब तुम इस एल्बम को एक साथ सुनोगे ना, ये सिर्फ तुम्हें एक एल्बम जैसा नहीं लगेगा. जिस तरीके से इंटरलूड की प्लेसमेंट की गई है, जिस तरह से इस एल्बम को स्ट्रक्चर किया गया है, तुम्हें ऐसा लगेगा यू आर वॉचिंग अ बॉलीवुड मूवी. की तरह पीठ पर वार नहीं करने का है, मेरे को सीधा सीने पे गोली मारने का है, सीधा सीने पे. ओके, तो फिर ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स बिगिन दिस जर्नी. तुम इमेजिन करके देखो, इस एल्बम को बनने में 2 साल लगे हैं, कश्मीर की कितनी मेहनत लगी है, पूरी DHH कम्युनिटी, DHH के मल्टीपल आर्टिस्ट इस एल्बम में है. दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर होल DHH और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. सो लेट्स वॉक थ्रू द एल्बम. स्टार्ट करेंगे हम पहले ट्रैक से, जाएंगे लास्ट ट्रैक पे. हर ट्रैक के बाद तुम्हें फीडबैक देखने को मिल जाएगा, मुझे वो ट्रैक कैसा लगा. और एल्बम के लास्ट में तुम्हें ओवरऑल रिव्यू देखने को मिल जाएगा, मुझे ये पूरा एल्बम कैसा लगा. और इस एल्बम को आउट ऑफ 10 मैं रेट भी करूंगा, तो उसको मिस मत करना. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम जो है द बिगनिंग इंटरलूड. So, एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि इस एल्बम को सिर्फ तुम्हें सुन के नहीं निकालना है, इस पूरे एल्बम को तुम्हें एक्सपीरियंस करना है. क्योंकि बीच बीच में तुम्हें मल्टीपल इंटरलूड देखने को मिलेंगे जो कि कनेक्टेड है जो आगे आने वाले ट्रैक है उनसे. ये जो पूरी एल्बम है ना, ये स्टोरी लाइन को फॉलो कर रही है. और जहां पे भी तुम्हें इंटरलूड देखने को मिलेगा जो उस टाइम की स्टोरी लाइन है, जो उस टाइम की सिचुएशन है, उसी पे बेस्ड अगला ट्रैक होगा. तो ये ध्यान रखना. और ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बस स्किप कर करके सुन लिए, पूरे एल्बम को एक साथ सुनना. अगर तुम सुन रहे हो तो इंटरलूड बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो तुम एल्बम की पूरी एक्सपीरियंस, प्योर एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे. सो अब हम आ जाते हैं द बिगनिंग इंटरलूड पे. सो ये जो पूरी एल्बम है ना, इसमें एक प्रोटैगनिस्ट है, उसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है. और जैसे धीरे धीरे स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी, तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे कर्म जो होता है ना, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक तुम अपने लाइफ में जो भी कर्म करते हो, जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है लास्ट में पहुंचते पहुंचते तक. तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा. सो इस ऑडियो में हमें ये समझ आता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है, उनके फादर ड्रिंक करके घर में आते हैं, उनकी माँ पूजा कर रही होती है. जो उनके फादर है वो प्रोटैगनिस्ट के मदर को स्कॉल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं खाना निकालने के लिए. प्रोटैगनिस्ट अपने फादर को बोलते हैं कि तुम इस ऊंची आवाज में माँ से बात नहीं कर सकते. तो उनके जो फादर है वो नाराज हो जाते हैं और इन दोनों को घर से निकाल देते हैं. और अब हम अगर सिचुएशन में नजर डालें तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके पास घर नहीं है, काम नहीं है, बस एक चीज है उसके पास जो है ड्रीम, जो वो देख रहा है कि उसे फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना है. और एग्जैक्टली इसके बाद का जो ट्रैक है वो है ड्रीम बाय इक्का एंड कारा. मेरी जो पहली इंप्रेशन थी इस ट्रैक को लेकर के, जो हमिंग वोकल सैंपल यूज किया है कश्मीर ने, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है. और जो मेलेडी पार्ट है बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है. हुक पार्ट जो है, जो फीमेल वोकलिस्ट का हुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में. अगर हम बात करें इक्का के वर्स की, इक्का ने सिचुएशन के हिसाब से, स्टोरी लाइन के हिसाब से बहुत ही कंप्लीट वाइब दी है इस पूरे वर्स में. तो जैसे कि एल्बम की स्टोरी लाइन चल रही थी, दिस सॉन्ग इज अबाउट ड्रीम. जो प्रोटैगनिस्ट है अब वो सपने देख रहे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उन्हें कैसा लाइफस्टाइल जीना है, और उसके अराउंड ये पूरा ट्रैक है. ओवरऑल रियली गुड ट्रैक. इक्का का वर्स बहुत ज्यादा सही लगा. हुक पार्ट में जो वोकल था बहुत ही कंप्लीट था. ओवरऑल इट वॉज रियली गुड ट्रैक. ओके, चलते हैं हम आगे एल्बम के थर्ड ट्रैक में. दिस इज अगेन अ इंटरलूड जिसका नाम है द प्लान. चल मेरे साथ, अभी पैसों का इंतजाम करते और सुन, तू बस दुकान वाले का ध्यान बटाना. और अगर तुम इसके ऑडियो में ध्यान दो तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं कि तू अपनी जिंदगी से थक नहीं गया है, ये बोरिंग सी लाइफ, ये फालतू सी लाइफ से, अब हम कुछ बड़ा करते हैं. इन ब्रीफ यहाँ पे वो एक रॉबरी का प्लान करते हैं और इसके बाद रॉबरी एग्जीक्यूट करते हैं. और इसके बाद हमें चौथा ट्रैक सुनने को मिलता है एल्बम का, जो एग्जैक्टली इसी थीम पे बेस्ड है, रॉबरी के ऊपर. ट्रैक का नाम है भुसी बाय सीधे मौत. तेरे कंधे काटे, आंखें चोरी कर, तुम्हारे आंखें तेरे अंदर चाटे मारे, अंधे चाटे कर ले बंदवाजा, बंदों को दिखा दे सर पे किसके ताजे. तो ये ट्रैक एल्बम रिलीज होने से पहले ही एज ए सिंगल देखने को मिल चुका था. इस पूरे ट्रैक को मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है. बट स्टिल अगर हम बात करें इस ट्रैक की, दिस ट्रैक इज बेस्ड ऑन बैंक रॉबरी, जो कि अगेन स्टोरी लाइन के हिसाब से भी सही बैठता है. अगर हम बात करें सीधे मौत की परफॉर्मेंस की, दे डिड रियली गुड जॉब. हुक इज गुड. ओवरऑल ट्रैक इज रियली गुड.
बट इस ट्रैक को रिलीज हुए कुछ महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा इस ट्रैक को ग्रो करना चाहिए था, सैडली वैसा इस ट्रैक ने मेरे अंदर तो ग्रो नहीं किया है। मैं इस ट्रैक को रेयरली ही सुनता हूँ। ट्रैक इज गुड बट शायद ये ट्रैक सीधे मौत की बाकी ट्रैक इतना ग्रो ना करे DHH ऑडियंस के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर तो नहीं किया, ऐसा मुझे फील होता है। ओके, चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे, जो कि अगेन एक इंटरलूड है जिसका नाम है दी मनी। चल छोटे हाथ जाके पूरा क्लब खरीदते हैं। हाँ भाई, अब अपन जीरो नहीं। तो मैंने तुम लोग इंट्रो में ही बोला था, दिस इज नॉट जस्ट एन एल्बम। जब तुम इस एल्बम को सुनोगे तुम्हें ऐसा लगेगा तुम कोई बॉलीवुड मूवी एक्सपीरियंस कर रहे हो। एग्जैक्टली ये जो इंटरलूड बीच बीच में आए हैं ना, और जो वॉयस एक्टर्स ने काम किया है, दे डिड रियली गुड जॉब। इस पूरे एल्बम को एक मूवी वाली एक्सपीरियंस देती है ये जो इंटरलूड बीच में इंक्लूडेड है ये। और अगर हम बात करें दी मनी इंटरलूड की, तो अगेन रॉबरी हो चुकी है, पैसे जो है वो प्रोटैगनिस्ट और उनके गैंग के पास आ चुके हैं और अब वो जा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं। जैसे इस इंटरलूड में एक डायलॉग है, प्रोटैगनिस्ट का जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि एक क्लब का जो मालिक था ना, वो क्लब में घुसने नहीं दे रहा था हमें। तो प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं कि चलो अब जाके पूरा क्लब ही खरीद लेते हैं। टिपिकल बॉलीवुड थिंग्स भाई, मजा आ रहा था सुनने में, पूरा एक्सपीरियंस करने में बहुत मजा आ रहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे एल्बम को एक साथ सुनना, बीच बीच के ट्रैक मत सुनना, मजा नहीं आएगा। ओके, अब चलते हैं एल्बम में, आगे चेक करते हैं 6 ट्रैक, एंड दिस वाज द मोस्ट अवेटेड ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। आर्टिस्ट है कृष्णा एंड अगर हम बात करें इस ट्रैक के प्रोडक्शन की, थोड़ी सी बॉलीवुड काइंड ऑफ सैंपल इसमें यूज की गई है। ड्रम पैटर्न्स आर रियली गुड। हुक पार्ट कृष्णा का नहीं है, आई थिंक जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है उनका हुक पार्ट है। हुक पार्ट इज स्टिल गुड। अगर हम बात करें कृष्णा के वर्स की, भाई क्या प्यारा वर्स है, क्या प्यारा फ्लो है कृष्णा का, रियली गुड जॉब बाय कृष्णा, मजा आ गया। द राइम स्कीम, फ्लो, रेफरेंस गेम टॉप नॉच, जैसा कृष्णा का वर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था एग्जैक्टली कृष्णा ने वैसा ही डिलीवर किया है इस पूरे ट्रैक। एंड अगेन कृष्णा ने जो एल्बम का थीम है उसे भी मेंटेन किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर ट्रैक जो है ना वो स्टोरी लाइन के हिसाब से चल रहा है। तो अभी तुरंत बैंक रॉबरी हुई थी, जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी गैंग है वो पार्टी करने जा रहे हैं। दे आर फीलिंग गुड, दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो वही इमोशन, वही सेम जो इमोशन है वो हमें इस ट्रैक और इस ट्रैक के लिरिक्स, इस ट्रैक के वाइब में भी नजर आ रहा है कृष्णा के साइड से। सो ओवरऑल रियली गुड ट्रैक। बीट वाज रियली यूनिक, ऐसे बीट सिर्फ कश्मीर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। DHH में और कोई बीट प्रोड्यूसर इस टाइप के बीट, ऐसे जॉनरा और ऐसे साउंड के बीट प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। कृष्णा का रैप बहुत सही था। हुक पार्ट वाज आल्सो गुड। ओवरऑल गुड ट्रैक, डेफिनेटली मेरा टॉप 5 ट्रैक में ये होगा इस एल्बम का। लास्ट में बता दूंगा मेरे टॉप 5 में कौन कौन से ट्रैक है। अब चलते हैं अगले ट्रैक पे। इस ट्रैक का नाम है ऊपर ही ऊपर। आर्टिस्ट है यशराज एंड रावत। जो पहले जीते थे परछाइयों में टिक टिक गए ये खेल और कलाइयों में गहरी सोच जैसे पले बड़े। पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, यशराज इज रियली अंडररेटेड। लाइक यशराज की आई थिंक इस एल्बम में 3 ट्रैक है। मे बी बहुत सारे लोगों ने एल्बम से बैकआउट भी किया है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 3 ट्रैक यशराज को देना सेंस नहीं बना रहा था, वही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यशराज ने क्या जस्टिस करा है, ही किल्ड इट भाई। ही इज रियली अंडररेटेड, रियली टैलेंटेड, और जो परफॉर्म किया है इस ट्रैक में भी और आगे भी उनके जो ट्रैक आने वाले उसमें भी, ही किल्ड इट, नेल्ड इट। इवन इस ट्रैक में रावल का जो वर्स था वो भी बहुत सही था। हुक वॉज ऑल्सो रियली गुड। ओवरऑल दिस वॉज गुड ट्रैक। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे। इस ट्रैक को बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, ट्विटर पे, रेडिट पे। ट्रैक का नाम है गॉडफादर, आर्टिस्ट है नैन। डाउन फॉर द शिट, जैसे रिक्शे का मीटर में लौंड कर एक शूट पर ना बनाते हैं पिक्चर ये मुझे शक। तो इस ट्रैक का स्निपेट हमें कश्मीर के साइड से पहले ही सुनने को मिल गया था। पहली चीज, फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस ट्रैक वाज आई लव्ड द म्यूजिक प्रोडक्शन। और जो सैंपल, स्पेशली द सैंपल ना ऐसा कुछ यूज हुआ है ना, बहुत ही तगड़ा लग रहा है सुनने में। लव्ड द सैंपल कश्मीर। और अगर बात करें नैस की परफॉर्मेंस की ना, मुझे परफॉर्मेंस नैस की अच्छी लगी। उनका एक अलग स्टाइल है, एक अलग अप्रोच है। कहीं कहीं पे जो फ्लो था वो थोड़ा सा अजीब हो रहा था, जैसे हुक पार्ट है, हुक पार्ट में थोड़ा सा फ्लो नैस ने अलग ही ट्राई करा है, ठीक है। बट ओवरऑल ट्रैक वाज गुड, फ्लो अच्छे थे, लिरिक्स वाज डिसेंट, और थोड़ा सा जो वोकल टेक्सचर है और जो डिलीवरी का स्टाइल है वो डिफरेंट है। शायद इसकी वजह से मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बट ओवरऑल ट्रैक वाज गुड भाई, म्यूजिक प्रोडक्शन वाज रियली गुड। सो अगर हम ओवरऑल ट्रैक की बात करें, इंक्लूडिंग म्यूजिक प्रोडक्शन, सैंपल, परफॉर्मेंस, मेरे लिए ट्रैक बढ़िया था, मुझे तो अच्छा लगा ट्रैक। ओके, हम चलते अगले ट्रैक पे, विच इज अगेन इंटरलूड। मेरा सिर्फ नाम राजा है रे,
मगर मैं तो पूरे शहर का राजा है और तेरा ये बिल्डर नया गरीब। तो अभी तक स्टोरी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चल रही है जैसे हमें सिनेमा, इंडियन सिनेमा या फिर बॉलीवुड में देखने को मिलता है। प्रोटैगनिस्ट है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, उसके पास अब पैसे आ चुके हैं और अब एंट्री होती है विलन की। और यहाँ पे जो विलन है वो है राजा भाई। और इस इंटरलूड में राजा भाई के कुछ लोग जो है वो प्रोटैगनिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। राजा भाई से उनके फोन पे बात होती है कि तुम जो धंधा कर रहे हो वो तुम गलत एरिया में कर रहे हो। लाइक यहाँ बात सिर्फ रॉबरी की नहीं है, अपने जो प्रोटैगनिस्ट है ना उन्होंने वसूली का भी काम स्टार्ट कर दिया है और वो उन लोगों से वसूली कर रहे हैं जिससे राजा भाई वसूली करते हैं। तो भाई अगर उनके बिजनेस में टांग अड़ाएंगे तो पंगा होगा, जो होता है वही एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। बट जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने ही एटीट्यूड में है यहाँ पे, ठीक है। राजा भाई को वो ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी। इस इंटरलूड के बाद अगेन हमें ट्रैक सुनने को मिलता है जो है एल्बम का 10th ट्रैक। ट्रैक का नाम है ऑल फॉल डाउन। और इस ट्रैक में हमें मल्टीपल आर्टिस्ट देखने को मिले हैं, यशराज, रैर साहब, राजा कुमारी। उसके साथ साथ यशराज का वर्स बहुत ही तगड़ा है और रैर साहब का जो पंजाबी वर्सेस है, पंजाबी वोकल है ना, वो चार चांद लगा रहे हैं इस ट्रैक में। अगेन वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जो कॉम्बिनेशन या फिर जो जुगलबंदी हुई है ना इसमें रैर साहब और यशराज की, आई लव्ड इट। सो डेफिनेटली इस एल्बम की मेरे टॉप 5 ट्रैक में ये होगा। आई लव द ट्रैक। ओके चलते अगले ट्रैक पे। इस ट्रैक का नाम है BIG, आर्टिस्ट है हरजस एंड पूना। काफी बड़ा हो गया हूँ मैं, कोई परवाह नहीं मारी गली देखी तेरी नारी मेरी अड़गी करारी। आई थिंक जो पूना है उनकी इन्वॉल्वमेंट म्यूजिक प्रोडक्शन में ही है क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैक हरजस का ही है, हुक पार्ट भी हरजस का है एंड इवन द वर्सेस आर बाय हरजस। देखो हरजस मेरे कोई फेवरेट आर्टिस्ट नहीं है, हरजस को मैं बहुत कम सुनता हूँ, बट आई थिंक ही डिड डिसेंट जॉब हियर। मतलब मेरे जैसा बंदा जो हरजस को बहुत कम सुनता है और मुझे हरजस की जो फ्लो है, डिलीवरी है, वो उतनी पसंद नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हुआ ना ही डिड डिसेंट जॉब। हाँ ट्रैक और बेटर हो सकता था, मे बी और आर्टिस्ट इंक्लूड किए जा सकते थे हुक पार्ट के लिए क्योंकि बाकी ट्रैक में हुक में कोई डिफरेंट आर्टिस्ट है और मल्टीपल आर्टिस्ट है, बट इस ट्रैक में सिर्फ खलौते हरजस है, ठीक है। तो अगर वैसा होता तो ट्रैक और बेटर हो सकता था, बट स्टिल डिसेंट जॉब बाय हरजस। ओके चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे। इस ट्रैक का नाम है लावेदा और आर्टिस्ट है डैबजी एंड वेदांत। आई थिंक ये ट्रैक तमिल में है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ट्रैक जो है लिरिक्स वाइज तो मुझे समझ नहीं आया, बट जब मैंने पूरा ट्रैक को सुना, परफॉर्मेंस बाय बोथ रैपर्स, बोथ आर्टिस्ट वाज रियली गुड एंड डेफिनेटली जिसे तमिल समझ आता है उनको ये ट्रैक बहुत पसंद आएगा, उनके लिए मे बी ये टॉप 5 टॉप 3 ट्रैक भी हो सकता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर मैं शायद इस ट्रैक को ज्यादा नहीं सुनूंगा, बट ट्रैक वाइज, क्वालिटी वाइज म्यूजिक प्रोडक्शन कश्मीर का अच्छा है ही एंड ओवरऑल ट्रैक साउंडिंग रियली गुड। इसके बाद हमें अगेन एक इंटरलूड सुनने को मिलता है। देखो बॉलीवुड की कहानी चल रही है, पूरी मूवी की स्टोरी लाइन चल रही है, तो कोई लड़की की एंट्री ना हो इस स्टोरी लाइन में ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार मोहब्बत की बातें ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? एंट्री होती है यहाँ पे एक लड़की की। आप बोलो तो मेरा ड्राइवर आपको गाड़ी में घर छोड़ देगा। नो थैंक यू। इतनी रात को आज यहाँ पे जो फीमेल लीड है वो किसी का इंतजार कर रही होती है, अपने प्रोटैगनिस्ट उनके पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको कहीं छोड़ दूंगा, इतनी रात में आप अकेले मत रहो, ठीक है। सो अगेन कनेक्शन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे और आगे ये कनेक्शन और भी ज्यादा बिल्ड होगा। सो चलते आगे। मेरे गानों पे हाथ वर्ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती। सो अगेन अगर हम बात करें इस ट्रैक की, इस ट्रैक को मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है तो अगर तुम चाहो तो पूरा ट्रैक का रिव्यू जाके चेक कर सकते हो। बट अगर हम बात करें इस पूरे एल्बम की स्टोरी लाइन के हिसाब से, इस ट्रैक को बहुत ही अच्छे जगह पे फिट किया गया है। अगेन जो प्रोटैगनिस्ट है ही इज नाउ अ गैंगस्टर, तो जब वो क्लब में जाता है तो वो गैंगस्टर के जैसे पार्टी करता है, तो एग्जैक्टली तुम्हें इस लिरिक्स में भी वो गैंगस्टर वाइब वाली पार्टी जो क्लब में हो रही है वो नजर आएगी। और म्यूजिक प्रोडक्शन वाज रियली गुड, फेनम डिड रियली गुड जॉब, ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रैक और शायद इस एल्बम का अभी तक का सबसे बड़ा ट्रैक है, नंबर्स ऑलरेडी बता रहे हैं। ओके चलते हैं अगले ट्रैक पे जो कि अगेन एक इंटरलूड है जिसका नाम है नशीली रात। अरे पर मेरे को सिर्फ एक चीज दिख रही है रे, पूरा शहर मेरे को गिराना चाह रहा था लेकिन। इस इंटरलूड में अपने प्रोटैगनिस्ट पीक हो जाते हैं टल्ली और उनके दिमाग में बस वही लड़की चल रही होती है। इन ब्रीफ जो अपने हीरो है वो प्यार में पड़ चुके हैं और इसके बाद जैसा मूवी में होता है जब कोई हीरो प्यार में होता है उसको क्या होता है, लव ट्रैक आता है। एग्जैक्टली इस एल्बम में भी हमें इसके बाद लव ट्रैक सुनने को मिलता है। ट्रैक का नाम है मेरे बिना, आर्टिस्ट है दी प्रोफेसी और लास्ट मोमेंट में हमें इसमें तलहा अंजुम का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। दिस वाज बिग, अनएक्सपेक्टेड था,
तलांजुमा कोलैबोरेशन बट हां हमें देखने को मिला है। आज मैं कहणियां कहणियां गल्लां ना होर मैं सहणियां सहणियां ना गल कोई लुकी रवे साडे विच ना दूरी। सो अगर तुम लोग द प्रोफेसी को नहीं जानते हो ना, ही इज रियली गुड आर्टिस्ट। इनके इनकी डिस्कोग्राफी बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने बना रखे हैं और बहुत पहले से ये गाने बना रहे हैं। आई थिंक ही इज स्टिल अंडररेटेड। तलांजुम को तुम सब जानते हो, हम बात करें इनके परफॉर्मेंस की, रियली गुड जॉब। ठीक है, तलांजुम का वर्स बहुत ही छोटा है, आई थिंक लास्ट मोमेंट में ऐड किया गया है तो आई थिंक छोटे से काम चला लिया गया, बट स्टिल छोटा है, इफेक्टिव है। रियली गुड जॉब, रियली गुड ट्रैक, डेफिनेटली बहुत ही प्यारा ट्रैक है और लूप पे चलने वाला ट्रैक है। आई लव द ट्रैक। ओके, चलते हैं अब अगले ट्रैक पे। दिस इज अगेन इंटरलूड जिसका नाम है द आर्गुमेंट। अरे मुझसे ज्यादा प्यार तो तुझे तेरी इस बंदूक से है, ये बंदूक ना। और अगर हम स्टोरी लाइन के हिसाब से देखें ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इंटरलूड। लाइक इस ये जो इंटरलूड है ना, ये तुम्हें पूरी ये जो स्टोरी लाइन है इसे सम अप करके दे देगा। और जो इस एल्बम का नाम है ना करम, वो भी ये रिफ्लेक्ट करता है। लाइक तुम्हें वो भी समझ आया कि क्यों इस एल्बम का नाम करम रखा गया है। सो अपने जो प्रोटैगनिस्ट थे वो जिस लड़की से प्यार करते थे, वो लड़की अब इनके पास आ चुकी है। ये उस लड़की को एक घर दिखाने जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि अब ये हमारा घर है, ये घर मैंने खरीद लिया है और शादी के बाद हम यहीं पे रहेंगे। बट वो जो लड़की रहती है ना, वो क्वेश्चन करती है कि क्या तुमने अपने लाइफ में कोई भी चीज अपनी मेहनत से कमाई है? बिना किसी को मारे या फिर बिना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के तुमने कुछ भी कमाया है अपने लाइफ में? और हम इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये जो घर है ना, उसने गलत काम करके बनाया है, उसने लोगों को मार के बनाया है और तुम जो काम करते हो लाइफ में तुम्हें उसका फल मिलता है। ठीक है, तो शायद आगे एग्जैक्टली कुछ होने वाला है जो अब हम देखेंगे क्या होता है। और इस इंटरलूड के लास्ट में एक डायलॉग भी है, बहुत प्यारा है। ठीक है, जो फीमेल लीड है वो बोलती है कि ये जो बंदूक है तुम्हारे पास, ये मेरी सौतन है और एक दिन ये मेरी भी जान ले लेगी। लाइक अगर तुम स्टोरी लाइन से कनेक्टेड हो ना, तो बहुत ही डीप लगेगी ये बात। ओके, चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे जो कि है 18th ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। इस ट्रैक का नाम है मौला, आर्टिस्ट है मुनव्वर फारूकी। लिखती नज़म ये कलम मेरे गम, दर से दीदार को मुरीद तेरे हम। अगेन इस ट्रैक के लिए भी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे पहले से ही बिना ट्रैक को सुने हुए कि ट्रैक अच्छा नहीं होगा। मुनव्वर फारूकी क्यों एल्बम में, वो डीएसएच को बिलोंग नहीं करते ये वो, बट जब ये ट्रैक ड्रॉप हुआ ना, मतलब मुनव्वर फारूकी ने दिल जीत लिया भाई, मतलब मजा आ गया सुन के। ट्रैक अगेन, इस ट्रैक में सिर्फ हमें दो आर्टिस्ट देखने को मिले हैं, बाकी ट्रैक में मल्टीपल आर्टिस्ट ने परफॉर्म कर रखा है। बीट जो है कश्मीर का है और परफॉर्मेंस है मुनव्वर फारूकी का। अगेन इस ट्रैक में जो सैंपल यूज हुआ है, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सैंपल, कैची सैंपल जो इस पूरे एल्बम में हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ मुनव्वर की जो परफॉर्मेंस थी, प्रॉपर रैप तो नहीं है इसमें, बट जो भी सिंगिंग है या जो भी कंपोजिशन है मुनव्वर का, बहुत ही सही है। हुक पार्ट वाज रियली गुड और कहीं पे भी फंबल नहीं किया, पूरा स्मूथ ट्रैक को स्टार्ट किया और एंड किया। ठीक है, और अकेले वो परफॉर्म कर रहे थे, सोलो परफॉर्मर थे। सो रियली गुड जॉब बाय मुनव्वर फारूकी, आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। बहुत ही स्मूथ था, एलिगेंट था, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। ओके, सो इसके बाद अगेन हम एक इंटरलूड देखने को मिलता है जिसका नाम है द कॉल। दिखाए राजा भाई, छोटे जल्दी भाग वहां से, लड़के लोग को लेके भाग। जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते हैं, तो उनके जो उनका जो पंटर है उससे कुछ लोग जो है वो चले जाते हैं राजा भैया के यहाँ पे और वहाँ पे उनको मार दिया जाता है, मतलब राजा भैया के लोग उन्हें मार देते हैं। और जब पता चलता है अपने प्रोटैगनिस्ट को कि उनके जो दोस्त है उनको मार दिया गया है, तो उनके अंदर बदले की आग आ जाती है। एग्जैक्टली क्लाइमेक्स जो बॉलीवुड मूवीज में हमें देखने को मिलता है और अब होगा फुल एंड फाइनल वाला सीन। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है खोया सब। अगेन स्टोरी लाइन के हिसाब से ट्रैक के टाइटल और ट्रैक की थीम कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर तुम इंटरलूड को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो इस ट्रैक में हमें देखने को मिले हैं यंगस्टा एंड लीसा मिश्रा, एंड दिस इज माय फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। भाई क्या प्यारा ट्रैक है। साथ लगे खोया सब, पर ये आंखें कभी रोई नहीं। मैं तुम लोगों को रियल फैक्ट बताता हूँ, ये एल्बम रात के मैं 2 बजे सुन रहा था। ठीक है, हल्के हल्के नींद में भी था मैं, और मैंने यशराज को गलती से यंगस्टा समझ लिया और मैंने 2-3 गाने सुन भी लिए यशराज के, और मैं समझ रहा था कि वो यंगस्टा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ जब ये ट्रैक पहुंचा ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ अच्छा यंगस्टा अब आया है, जो मैंने पहले सुना था वो यशराज थे। फिर मैंने आज सुबह उठकर 2-3 बार सुना तो रियलाइज हो गया मुझे, बट हाँ ऐसा हुआ था तो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। बट अगर हम बात करें यंगस्टा के परफॉर्मेंस की, ही किल्ड इट, हुक पार्ट वाज रियली गुड। लीसा मिश्रा का पार्ट बहुत कम था, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था भाई, उनकी वोकल इतनी प्यारी है, इतनी स्मूदिंग है। ठीक है, और ज्यादा होता तो मजा आता, बट स्टिल छोटा सा पार्ट था। और एक चीज बहुत अच्छे से मिक्स मास्टर हुआ है और लेयरिंग बहुत अच्छे से ट्रैक में हुई है। लाइक अगर तुम हुक पार्ट सुनोगे ना, तो हुक पार्ट में लीसा मिश्रा के वोकल्स को गेन कम करके लाइक
बहुत ही कम क्या बोलते हैं गेन के साथ लेयर किया गया है, जो हुक पार्ट को बहुत ही बढ़िया साउंड करवा रहा है, ठीक है। तो हाँ, लिसा मिश्रा को प्रॉपरली यूज किया गया इस पूरे ट्रैक में, भले ही उनके वोकल तुम्हें कम सुनने को मिले। ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, आई लव द ट्रैक। शायद इस एल्बम का ये सबसे ज्यादा प्ले करने वाला ट्रैक होगा मेरे लिए, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्ले करने वाला हूँ। मजा आ गया सुन के। सो इसके बाद अगेन हमें एक इंटरलूड देखने को मिलता है। छोड़ के रख देंगे उनकी, हम आपके साथ है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और सुन लो, इसमें अपने प्रोटैगनिस्ट है अपने पंडर लोग को बोल रहे हैं कि अब या तो मरने का टाइम है या फिर मारने का टाइम है, और जिनको मौत से डर लगता है वो पहले बता दो कि मतलब तुम पहले ही बैकआउट कर जाओ, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे और उनके गैंग को खत्म करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे ये होने वाला है। और फिर हमें सुनने को मिलता है एल्बम का नेक्स्ट ट्रैक, 22nd ट्रैक ऑफ दिस एल्बम, जिसका नाम है एनिमीज। और इसमें हमें देखने को मिलते हैं हनुमान काइन एंड यशराज। जब मैंने ये ट्रैक सुना ना, तो MGK का एक ट्रैक है जिसका नाम है बैड मदरफकर। उस ट्रैक की वाइब आई मुझे इस ट्रैक से, भाई क्या एनर्जी है, क्या रेज है इस ट्रैक में, आई लव्ड इट। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इस एल्बम की लॉन्च पार्टी भी कल रात में हुई थी, वहां हनुमान काइंड ने परफॉर्म भी किया था। और अगर क्राउड अच्छी होती ना, अगर भाई हनुमान काइंड को तुमने परफॉर्म करते नहीं देखा है ना भाई, बस चेक करना यूट्यूब पे जाके, भाई वो किल करते हैं, ठीक है। तो भाई ये ट्रैक जब वो परफॉर्म करेंगे अपने कॉन्सर्ट्स में या फिर लाइव परफॉर्मेंस में, वो फाड़ने वाले हैं। रियली गुड परफॉर्मेंस बाय हनुमान काइंड एंड यशराज वाज गुड, ओवरऑल रियली गुड ट्रैक। और एनिमीज ट्रैक के लास्ट में अगेन थोड़ी सी स्टोरी भी कंटिन्यू होती है, इंटरलूड में जो चीजें हुई थी, जो गैंग वार होने जा रहा था, वो गैंग वार यहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है और शायद अपने प्रोटैगनिस्ट की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एल्बम का लास्ट ट्रैक सुनने को मिलता है, इस बार एक इंटरलूड बचा हुआ है। इस ट्रैक का नाम है लेगेसी फीचरिंग रफ्तार। दिस इज अ टिपिकल रफ्तार काइंड ऑफ डिल ट्रैक, और इस ट्रैक को अगेन मैंने रिव्यू कर रखा है, तुम चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो। अगेन ट्रैक की जो थीम है ना, जब ये ट्रैक रिलीज हुआ था उस समय मैंने समझ पाया था कि इसको इस स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, बट जिस हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है लेगेसी नाम है ट्रैक का, कि कैसे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी लेगेसी जिंदा रहती है, और एग्जैक्टली अभी स्टोरी लाइन में भी वही चीजें हुई है, मार धाड़ तोड़ फोड़ हो रखी है। तो ओवरऑल रियली गुड ट्रैक बाय रफ्तार, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस, डेफिनेटली टॉप 5 में तो आएगा ही ये ट्रैक। और इसके बाद हमें इस एल्बम का लास्ट ट्रैक देखने को मिलता है, लास्ट इंटरलूड, जिसका नाम था द एंड। जब मौत की तरफ बढ़ने लगे तब कुछ साथ नहीं आया। एंड दिस इंटरलूड कम्प्लीट्स द होल साइकिल। और जैसे इंटरलूड का नाम है द एंड, ये इंटरलूड हमें बताती है कि कैसे अब हम अंत तक आ चुके हैं, एंडिंग तक आ चुके हैं। और जैसा तुम अपने लाइफ में चीजें करते हो, जैसा जैसा तुम्हारा कर्म होता है ना, वैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो एग्जैक्टली यहाँ हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ भी हुआ है। और एग्जैक्टली यही है कर्म का डेफिनेशन, जो हमें इस पूरे एल्बम में जानने को समझने को मिलता है। ओके, सो ये हम लोगों ने पूरे एल्बम को वॉक थ्रू कर लिया, अब हम आ जाते हैं एल्बम के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा जो वोकल डबिंग आर्टिस्ट है उनको, क्या तगड़ा काम किया है भाई, जो वाइब सेट करी है, जो हमें एक्सपीरियंस फील कराया है ना, रियली गुड जॉब बाई वोकल आर्टिस्ट, किल्ड इट। और अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की, कश्मीर के साइड से जो हमें सैंपल सुनने को मिले हैं, जो हमें साउंड सुनने को मिला है, जो डिफरेंट जॉनरा डिफरेंट स्टाइल की म्यूजिक सुनने को मिली है ना, ये कोई नहीं कर सकता है भाई DHH में, और ना ही आई थिंक इंटरनेशनल हिप हॉप में भी कोई कर पाया। मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि शायद ये एल्बम ऐसा हो सकता है कि ओवर प्रोड्यूस ना हो जाए, क्योंकि ये क्या बोलते हैं DJ या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर का एल्बम है और वो अपने हिसाब से इस एल्बम में मिक्स मास्टर और प्रोडक्शन रखेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रियली गुड जॉब बाय कश्मीर एंड द होल म्यूजिक प्रोडक्शन टीम, लव द म्यूजिक प्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं बाकी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस में। भाई ये हमारे लिए एक लेजेंडरी मोमेंट है, DHH के इतने सारे आर्टिस्ट एक प्रोजेक्ट में कोलैब कर रहे हैं। अगर कश्मीर का ये एल्बम नहीं बनता या फिर ऐसे कोई प्रोड्यूसर ये इनिशिएटिव नहीं लेते एल्बम बनाने का, तो शायद ये DHH में कभी नहीं होता, ठीक है। शाउट आउट टू कश्मीर कि उन्होंने ये पॉसिबल कराया, इतने सारे आर्टिस्ट एक एल्बम में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया था, कल रात को हमें आफ्टर पार्टी भी देखने को मिला था, एल्बम लॉन्च पार्टी भी देखने को मिला था, वहां पे भी मल्टीपल आर्टिस्ट प्रेजेंट थे, सबने साथ में परफॉर्म किया। सो ये एल्बम हमारी DHH कम्युनिटी को यूनाइट करता है, एक फैन बेस को डिफरेंट फैन बेस से मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कृष्णा का फैन है ना, तो वो कृष्णा को सुनने के लिए ये पूरा एल्बम सुनेगा, उसकी वजह से हो सकता है कि उसे कोई और आर्टिस्ट पसंद आ जाए और वो उसके गाने सुनना स्टार्ट कर दे। सो दिस इज अ रियली बिग W फॉर DHH, और सारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट जिसने स्टैंड आउट किया है मेरे लिए वो है यंगस्टा। यशराज का परफॉर्मेंस बहुत सही था, रफ्तार वॉज गुड, कृष्णा वॉज गुड, हनुमान काइंड का जो परफॉर्मेंस था, रेस था, वो भी मुझे बहुत सही लगा। और भी कुछ आर्टिस्ट है,
अच्छा काम किया इन लोगों ने। अगर मैं बात करूं मेरे करंट फेवरेट ट्रैक की, तो मैं तुम लोगों को 3 या 5 ट्रैक का नाम बता देता हूं जो मुझे बहुत सही लगा। खोया सब बाय यंगस्टा एंड लीसा मिश्रा, ऑल फॉल डाउन बाय यसराज राजा कुमारी एंड रायर साहब, एनिमीज बाय कश्मीर हनुमान काइंड एंड यसराज, जीरो आफ्टर जीरो कश्मीर कृष्णा एंड लेगेसी बाय कश्मीर एंड रफ्तार इसकी। और अगर हम बात करें इस एल्बम की रेटिंग की, आई विल रेट दिस एल्बम 9 out of 10, क्योंकि जिस तरीके से इस एल्बम को स्ट्रक्चर किया गया है, जिस हिसाब से इंटरलूड प्लेस किया गया है और जिस हिसाब से ये पूरे कॉन्सेप्ट पूरी स्टोरी लाइन को लेके साथ में चलता है ना, दिस इज कंप्लीट एल्बम। एक एल्बम कैसा होना चाहिए, एक एल्बम कैसा होता है ना, ये प्रोजेक्ट उसका एक प्राइम डेफिनेशन है। 9 मैंने क्यों दिए, 10 क्यों नहीं दिए, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट के ट्रैक मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आए, कुछ ट्रैक को मैं स्किप भी करूंगा, सारे ट्रैक में सुनूंगा नहीं, बट ओवरऑल आई लव्ड दिस एल्बम, सो यस 9 out of 10। तुम्हारी क्या रेटिंग है इस एल्बम को लेके, तुम्हारा कौन सा फेवरेट ट्रैक है और तुम्हें क्या लगता है इस एल्बम के बारे में, कमेंट करके बताओ। बाकी मेरे कहीं भी फीडबैक से तुम एग्री नहीं करते हो, प्लीज कमेंट करो, फील फ्री टू कमेंट डाउन। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने ग्राफिक के साथ मिलकर एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, टी शर्ट बाय कर सकते हो इस साइड चेन से, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।